चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जीरो बेस्ड बजटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन ऑलवेज आता ही आता है, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग का, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? जो बजट जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होते हैं, मतलब लाइन से स्टार्ट होंगे, मीन्स वहां पे पीछे का कोई भी डाटा लेके नहीं बनाया जाएगा बजट। जो काम हमने करना है उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन देके बस आपका बजट जब रेडी होता है उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। इसकी डेफिनेशन भी आपके पास दी हुई, जैसे हम दी हुआ जीरो बेस्ड बजटिंग इज ए लेटेस्ट टेक्निक ऑफ बजटिंग। ये बजट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ फर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो फर्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसकी बेस के ऊपर ये बजट बनता है। एन एक्यूरेट बजट कैन बी फ्रेम्ड व्हेन ए रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। जो कंपनी में आपके पास इनपुट और आउटपुट का उनका रिलेशनशिप वगैरह बना देते हो तो जीरो बेस्ड बजटिंग इजिली बन जाता है। When budget start from the zero or null, when the past budget does not use for the new budget and new budget is made from the zero, it's called zero based budgeting. इसकी डेफिनेशन लिखनी तो लिख भी सकते हैं आप बुक में, चाहे ना लिखे तो लिख सकते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में लिख लो क्या है। When budget start from zero or null, NULL, when past budget does not use for the new budget, and new budget is prepared from scratch called zero budgeting. When new budget is made, या फिर is prepared from scratch और साथ में लिख सकते हो scratch और zero, known as zero based budgeting. आपको क्वेश्चन जैसे इसमें आ सकता है ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके अगले पेज पे दिए नॉन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। जो ट्रेडिशनल बजटिंग है हमेशा जो प्रभाव डालती है वो हाउ मच, हम कितना करेंगे, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग डालती है वाई, हम जो काम कर रहे हैं किस बेस के लिए है। क्योंकि जीरो बेस्ड बजटिंग में आपके पास कुछ भी नहीं होता, पुराना रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड होता है, उसमें आपको रिलेशनशिप बनाना है। हम देखते हैं हम इसमें रिलेशनशिप बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने देखा फोकस इन ऑन इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपेंसेस। जो ट्रेडिशनल बजट होते हैं कंपनी में उनमें मेन फोकस किया जाता है कि जो हमारे खर्चे हैं बढ़ेंगे या कम होंगे उनके ऊपर, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में हमेशा क्या फोकस किया जाता है, सिर्फ कॉस्ट बेस्ड बेनिफिट एनालिसिस, हमारी कॉस्ट जो लग रही है उससे हमें कितना बेनिफिट होगा। कॉस्ट बेनिफिट को यही बोला जाता है कि हम कितनी कॉस्ट हम लगा रहे हैं उससे हम कितना बेनिफिट लेंगे। फिर इसमें बात क्या की जाती है, ट्रेडिशनल बजटिंग में कम्युनिकेशन इज यूजली वर्टिकल, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन जो आपका जीरो बेस्ड बजटिंग है दोनों तरफ से होती है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल। मतलब कि जो ट्रेडिशनल बजटिंग है उसमें जो बजट बना देता है वो मैनेजमेंट लेवल से बन जाता है और वो लोअर लेवल तक जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल बजटिंग में दोनों तरफ से चलता है, रिलेशनशिप दोनों तरफ से बनाए जाते हैं और सबकी सुनी जाती है, मैनेजमेंट भी अपनी बताएंगे, लेबर भी अपने लोअर लेवल में लेबर या वेलफेयर लोग काम कर रहे हैं आपके तरफ, उनसे भी आपके जो है कम्युनिकेशन की जाती है, ताकि लोग हर एक से कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके जिससे कॉस्ट को कम किया जा सकता है, उन चीज़ों को काफी मेजर किया जाए। फिर अप्रोच क्या है, पास्ट इज टेकन फ्रॉम द ग्रांटेड एंड नेवर क्वेश्चन फॉर कंटिन्यू, हमेशा पास्ट को लिया जाता है जब भी ट्रेडिशनल बेस्ड, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में पास्ट को कुछ मतलब ही नहीं है, पास्ट के क्वेश्चन जस्टिफिकेशन नीड टू कंटिन्यू, सिर्फ क्वेश्चन देखे जाते हैं, पास्ट का कोई डाटा नहीं उठाया जाता। तो ये थे आपका दोनों में डिफरेंस। उसके बाद है स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, क्वेश्चन यही आता है आपको जीरो बेस्ड बजटिंग के, उसके स्टेप बताइए या फिर एडवांटेज या फिर लिमिटेशन। तो हम स्टेप करते हैं, सबसे पहले आपका काम है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। जब भी आपने कोई कंपनी कोई भी बजट बनाना, चाहे कोई भी चाहे ट्रेडिशनल बजट है या कोई और बजट बना रहे हैं चाहे जीरो बेस्ड बना रहे हैं, पहला पॉइंट आप देना यही होगा कि आपको कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उनको डिटरमाइन कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा किसी कंपनी के तो बजट बनाने में कोई फायदा नहीं। फिर एक्सटेंट ऑफ कवरेज,
एक्सटेंट ऑफ कवरेज का मतलब ये इट रिलेट्स टू द डिसीजन वेदर जीरो बेस बजटिंग इज टू बी इंट्रोड्यूस ऑल एरिया सर्टेन सेलेक्ट एरियाज ऑफ रेलवे सिस्टम। आपको एरिया देखने होंगे जो आप बजट बना रहे हैं, किस किस एरिया में जाके बनाना, कौन कौन से एरिया के ऊपर बजट आप बना रहे हैं। कंपनी में कई बार बजट होता है यानी कि पूरी कंपनी के लिए बन जाता है, कई बार वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बना या फिर सेल डिपार्टमेंट के लिए बना या फिर एचआर डिपार्टमेंट के लिए बना। जिस डिपार्टमेंट जिस एरिया के लिए बनाना चाहते हैं वो एरिया आपको पहले से डिसाइड करना होगा। फिर है डिवॉल्विंग डिसीजन यूनिट्स। फिर आपके जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर आप बजट बना रहे हैं उसमें कौन कौन से यूनिट्स होंगे जिनके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि एरिया नहीं होता अभी सभी लोग बैठे हैं, जितने लोग हैं सबसे ही माना जाएगा, जहां जहां पे इनको लगता है यहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है उन लोगों को डिसीजन देते हैं, आप डिसीजन दे सकते हैं उस अकॉर्डिंग में, उसके ऊपर हम भी डिसीजन लेंगे। फिर है डिवॉल्विंग डिसीजन पैकेज। डिवॉल्विंग डिसीजन पैकेज का मीनिंग ये होगा भी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन ली जाएगी जो लोग उसमें ज्यादातर नॉलेजेबल पर्सन, उन लोगों को पैकेज मिल जाता है। ये नहीं कि जब सारे बैठे हैं बोलो अपना अपना बता दो उस हिसाब से हम बजट बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज उस काम की होगी जब कोई नया काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमेशा जीरो बेस बजटिंग जब नया काम स्टार्ट होता है मोस्टली कोशिश ये होती है पहले क्वालिफिकेशन पर्सन वाले लेके हैं या फिर टेक्निकल जिनको पता होता है काम, उन लोगों से ही नॉलेज ली जाती है, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ बजट। लास्ट में क्या आपका जब आपके पास डिसीजन आ जाते हैं नॉलेज सब क्या है, आप बजट रेडी कर देते हैं, जब वो बजट रेडी होता है उसको फिर आगे लागू कर देते हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट में लगाना है, पास आते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, फिर लास्ट में जाके उनको कंपेयर करते हैं एक्चुअल को एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने बजट बनाया उससे जो डिफरेंस आए होंगे उसको दोबारा से चेंजेस करके न्यू पॉलिसीज लगा के फिर आगे लगाते हैं। मेन काम जो जीरो बेस बजटिंग का आपका हमेशा प्रॉफिट अर्न करना है, कॉस्ट बेनिफिट देखना है, इतनी कॉस्ट हमने लगाई है उससे हमें प्रॉफिट कितना होगा वो फाइंड करना। फिर आपके पास है एडवांटेज एंड लिमिटेशन जीरो बेस बजटिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज आपकी सबसे पहले आ रही है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड। जब भी जीरो बेस बजटिंग की जाती है जितने भी उनके पास फंड्स होंगे उनकी प्रॉपर एलोकेशन की जाती है। फंड्स क्या होंगे, मींस लेबर लैंड मशीनरी जो उनके पास, ठीक है, जितनी जमीन उन्होंने है उनके पास उसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, जिसको बोले तो जहां मर्जी बैठ के काम कर ले वैसा नहीं होगा। जितनी लेबर है प्रोफेशनल एक तरफ, नॉर्मल एक तरफ, फिर ये भी नॉर्मल एक बंदे के साथ चार बंदे नॉर्मल है तो उनके साथ एक प्रोफेशनल लगा दीजिए, उस बेस से उनको यूज करते हैं जिसके सभी का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सके। ये नहीं कि जिनको आता कुछ नहीं बैठे हुए उन्होंने तो फिर बातें करने ही बैठती वैसा कुछ नहीं होगा। सबसे काम कैसे लेना है जीरो बेस बजटिंग में आदमी से ये दिखा जाता है सिस्टमेटिक इवेल्युएशन। सिस्टमेटिक इवेल्युएशन का भी हर टाइम के सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे काम किया जाता है। टाइम टू टाइम अगर जो आपने पॉलिसीज बनाई है उनको कैसे चेंजेस करना है, क्योंकि बजट का मीनिंग ये नहीं होता अभी आपने बनाया और बस ठीक है जी लागू कर दीजिए। जीरो बेस बजटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको वो टाइम टू टाइम चेंजेस भी करते हैं, मीन्स इवेल्युएशन चेक करते रहेंगे जो बंदे जैसे काम कर रहे हैं, अगर कहीं पे कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है उसको सबसे ज्यादा चेंजेस भी करते रहते हैं। लिंक बजट विद गोल ऑफ एंटरप्राइज। हमेशा जो बजट बनाया जाता है इसका लिंक किसके होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। जो कंपनी का मेन रूल स्टार्टिंग में उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया था हमने इतना प्रॉफिट कम से कम अर्न करना है, कॉस्ट कम करनी है, तो बजट भी उस बेस पे बनता है जीरो बेस बजट। फोर्थ पॉइंट आपको बताया जीरो बेस्ड अप्रोच। इसमें हमेशा जो हमारी अप्रोच होती है वो जीरो बेस्ड ही, मतलब हम कुछ भी पास्ट रिकॉर्ड साथ में लेके नहीं चलते, कोई भी जो काम करते हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। नई तरीके ना स्टार्टिंग से पैसा लगेगा, कोई भी रिकॉर्ड लेना नहीं है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है उसको देखते हैं। आगे इन्होंने ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, दोबारा रिसोर्सेज की बात हुई आगे, जो भी इनके पास इनपुट्स हों उनको किस बेस पे आपने यूज करना है। जीरो बेस बजटिंग का मेन मकसद यही होगा। नो इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसमें ये नहीं होता कि आप इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। जीरो बेस बजटिंग में एक ये बात हमेशा देखी जाती है कि इंक्रीमेंट अप्रोच नहीं रखते हो, कि जो आज हमने इतने पैसे लगाए इसको कल बढ़ा के कोई और ज्यादा लगा लेंगे। उनकी मेन कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनको यूज करना है और प्रॉपर वे में यूज करना है। जरूरत पड़ने भी तो कोई भी कंपनी यूज करती है, लेकिन उनका मेन मकसद ये होता है कि जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं ना उसी चीज से हमने काम करना है। ये नहीं कि प्रॉपर जैसे भी जरूरत पड़ी फिर तो कॉस्ट ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मोस्टली अगर कॉस्ट जीरो बेस बजटिंग हम करेंगे तो नॉर्मल कोई भी पर्सन है जो बिजनेस पे स्टार्ट है तो कॉस्ट बढ़ाएगा हर टाइम पे जब भी उन्होंने देखना है। लेकिन इनकी मेन मकसद ये होता है कि नो इंक्रीमेंट, कोई भी किसी प्रकार की कॉस्ट में इंक्रीमेंट ना हो, उसी बेस पे काम होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज। ज्यादातर बेनिफिट जीरो बेस बजटिंग का वहां पे होता है जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनको तो कॉस्ट लगती है क्योंकि कुछ ना कुछ उनको कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, लेकिन ट्रेडिंग एरिया में इनकी ज्यादा वैल्यू है जीरो बेस बजटिंग। जहां पे इसके कुछ फायदे हैं वहां पे कुछ इसके नुकसान भी हैं।
जहाँ पे कुछ इसके फायदे हैं वहां पे कुछ ना कुछ इसके नुकसान भी हैं, तो लिमिटेशन पड़ते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग की। सबसे पहले क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स, जब भी जीरो बेस्ड बजटिंग होगी रिपोर्ट्स बनेंगे प्लस मीटिंग्स, जैसे कि इन्होंने बताया आपके अमाउंट ऑफ एनालिसिस मीटिंग रिपोर्ट्स ऑल ऑफ विच रिक्वायर एडिशनल स्टाफ, सब चीजों के लिए एडिशनल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जब भी जीरो बेस्ड, क्योंकि नया काम स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारी मीटिंग भी होंगी रिपोर्ट्स भी बनेंगी, तो इन सभी काम के लिए क्या है स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। हर एक बंदा अपने हिसाब से अपने व्यू पॉइंट ऑफ बताएगा, पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं काम चल सकता। जिसने बोला तुम्हारा जैसे काम कर लो वैसे कर लो, कल दूसरा बोला ऐसे कर लो, ऐसा नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम उसमें आती है। सेकेंड इन्होंने बताया गेम्समैनशिप, ये जो है गेम्समैनशिप का काम होता है जीरो बेस्ड बजटिंग में। हर एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, वो गेम की तरह ही काम होता है, जिसका दुख का काम चल गया चल गया, जिसका ना चला ना चला, तो ज्यादा मोस्टली कई बार इसमें नुकसान भी हो जाता है। इंटेंजिबल जस्टिफिकेशन, इसमें हमेशा जो है इंटेंजिबल जस्टिफिकेशन होती है, जिन चीजों को आप सुन सकते हो उसके ऊपर जस्टिफाई करने की जरूरत है। कोई भी काम वो बताएंगे नहीं जी इस बेस पे हो सकता है, तो वहां पे मोस्टली लॉस हो जाता है, क्योंकि सबकी नॉलेज उन्होंने लेनी होती है, चाहे वो लोअर लेवल में है चाहे हाई लेवल पोस्ट में हो, तो कोई भी जस्टिफिकेशन है किसी एक बेस पेपर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कुछ भी पुरानी चीज नहीं होती, पास्ट हम लेके चलते नहीं है, हमेशा न्यू चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, भी इस काम को इस तरह कर सकते हैं। मैनेजरियल टाइम, इस जीरो बेस बजटिंग में मैनेजरियल टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मीन्स आप इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी लिख सकते हैं, ये जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक पॉइंट इसमें लॉट ऑफ पेपर भी आप लिख सकते हैं, अभी लॉट ऑफ पेपर वर्क आए, पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है जीरो बेस बजटिंग, क्योंकि सब कुछ जीरो से स्टार्ट हुआ, हर एक चीज का रिकॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें पेपर वर्क भी आपका बहुत ज्यादा। फिर इसमें ट्रेनिंग, जब भी जीरो बेस बजटिंग चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो जीरो बेस बजटिंग कभी भी काम नहीं कर सकती। जीरो बेस बजटिंग में प्रोफेशनल पर्सन चाहिए जो आगे भी वो लोगों को ट्रेनिंग दे सके। अब कंपनी कॉस्ट कम करने की सोच रही है, तो जितने प्रोफेशनल रखेंगे उसमें उनकी अमाउंट जो है ज्यादा ही लगेगी, वही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बंदे उससे आ जाएंगे, वही ट्रेनिंग देंगे, उसमें आगे खुद भी ट्रेनिंग लेंगे आएंगे दूसरों को भी देंगे, तो उनका कंपनी का खर्चा बढ़ता है। तो ये भी देख सकते हैं इसमें, ये भी एक लैक ऑफ एडवांटेज है इसका, कि कमी है इसमें, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। फिर उसके बाद है अपडेट स्पीड, जीरो बेस बजटिंग अपडेट स्पीड भी कम होती है, जो आप कम करते चले जा रहे हैं, आपने जो बजट बनाया उसमें अपडेट स्पीड कम है, क्योंकि नई चीज आपने बनाई है उसको पहले लागू किया, अब कुछ चलते चलते कुछ और उसमें चेंजेस करने हैं, तो उसमें अपडेट स्पीड कम हो जाती है, जो टारगेट उन्होंने बोले तो उन टारगेट को अचीव करने में उनको टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो ये सारे पॉइंट है आपके लिमिटेशन में जो आपकी जीरो बेस बजटिंग में आता है। 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है जीरो बेस बजटिंग, या तो जीरो बेस बजटिंग प्लस उसके स्टेप पूछ लेते हैं, या फिर जीरो बेस बजटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अदरवाइज डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं पूछेगा तो डिफरेंस पूछेगा साथ में ट्रेडिशनल और जीरो बेस बजटिंग।